हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल्स ब्यूटी ब्लॉग। बहुत दिन हो गया मैंने कोई हॉल वीडियो नहीं बनाया था, सो आई थॉट टू मेक अ हॉल वीडियो। मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया था ड्यूरिंग आई हर्ट ब्यूटी सेल। सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर होने में 4-5 दिन लग गया, तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स कल ही रिसीव हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं इससे ही स्टार्ट करती हूँ। दिस अ शैम्पू फ्रॉम पम। ये एक वेगन प्रोडक्ट है और ये शैम्पू सल्फेट सिलिकॉन पैराबेन फ्री शैम्पू है। सो दिस इज सीजी हेयर फ्रेंडली शैम्पू और इस शैम्पू का क्वांटिटी है 300 ml और इसका प्राइस है 550। और इससे पहले इसको मैंने यूज़ नहीं किया है कभी भी। आई हैव कर्ली हेयर और ये सीजी फ्रेंडली शैम्पू है, तो इसलिए मैंने इसको इस बार लिया है। नेक्स्ट मैंने सेम ब्रांड से ही ये नाइट क्रीम ऑर्डर किया है। ये ग्रीन टी वाला है। दिस वन इज़ फॉर ऑयली स्किन। मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैंने ग्रीन टी वाला लिया है। पाम का और भी मतलब डिफरेंट स्किन टाइप के लिए डिफरेंट नाइट क्रीम है, तो अगर किसी को लेना हो तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही चूज़ करें। दिस वन इज़ फॉर ऑयली स्किन और जिन्हें पिंपल का थोड़ा प्रॉब्लम है, पिंपल एक्नी ये सब प्रॉब्लम है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी एंड आर्गन ऑयल और इसका क्वांटिटी है 50 ml एंड इसका प्राइस है 575। और इस पर मुझे कितना डिस्काउंट मिला है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, चेक कर लेना प्लीज़। ऐसे एक कंटेनर में आया है और ये क्रीम भी ऐसा ही ग्रीन कलर का ही है। और ये एक जेल बेस्ड क्रीम है, मतलब ज़्यादा क्रीमी नहीं होगा। और इसका शेल लाइफ है 2 ईयर्स। और थर्ड मैंने लिया है ये वाला फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स। ये टी ट्री फेस वॉश है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्रिएटेड फॉर ऑल, हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन एंड इसका क्वांटिटी है 150 ml और इसका प्राइस है 235 और इसका सेल लाइफ 2 ईयर्स है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला मॉइस्चराइज़र। ये लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है। ये मैं बहुत सालों से ही यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे स्किन पे भी बहुत सूट करता है। ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद स्किन मॉइस्चराइज रहता है पर चिपचिपा या फिर बहुत ज़्यादा क्रीमी ऐसा कुछ फील नहीं होगा। इसका भी शेल लाइफ 2 ईयर्स है और इसका प्राइस है 349 rupees। नेट क्वांटिटी है 250 ग्राम। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन निविया सॉफ्ट। कोई भी सोप या हैंड वॉश यूज़ करने के बाद थोड़ा सा हैंड ड्राई लगता है, तो उस वजह से आई नीड दिस वन ऑलवेज। इसका क्वांटिटी है 300 ml और इसका प्राइस है 399 और इसका शेल लाइफ है 2 ईयर्स। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला मस्कारा। दिस इज़ फ्रॉम कलरबर। ये भी मैं बहुत दिनों से यूज़ करती हूँ, जो यूज़ करती थी वो ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैंने ले लिया है। एक दो मस्कारा है इसका, एक साइड लेंथनिंग मस्कारा है और दूसरे साइड पे वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा है और इसका प्राइस है 495 एंड इसका शेल लाइफ 2 ईयर्स है। और इस मस्कारा का एक रिव्यू मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मैंने ये वाला आईलाइनर लिया है CVB पेरिस। इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट मैंने पहले यूज़ नहीं किया और ये आईलाइनर डुओ कलर में आता है, मतलब एक बॉक्स में दो कलर रहता है, तो मैंने ये वाला ब्लू सिलेक्ट किया है। ब्लू और ब्लैक है इसमें। ये इसके साथ ये दो एप्लीकेटर है छोटे छोटे। जो आईलाइनर है वो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में दिया गया है। अभी तक सील्ड ही है, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। इस प्रोडक्ट का सेल लाइफ है 4 ईयर्स। मैं ये वाला खोल के भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से कुछ ऐसा है, लेट्स ट्राई इट। नॉट बैड एक्चुअली, पिगमेंटेड है
और यहाँ पे क्लेम भी किया हुआ है कि ये एक वाटरप्रूफ आईलाइनर है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लाशर फ्रॉम एले कलर्स। इस पर 2 शेड्स है और इसके साथ ये छोटा सा एक एप्लीकेटर दिया हुआ है। काफ़ी सॉफ्ट है ये एप्लीकेटर एंड इस शेड का नाम है पपाया नार्डेनिक। ये एक्चुअली सील किया हुआ था और उसके ऊपर ही सारे डिटेल्स दिया हुआ था, पर मैंने वो खोल दिया है और ऊपर का वो कवर खो गया है, तो सारे डिटेल्स मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप लोग प्लीज चेक कर लेना। तो बस इतना ही, यही बस थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।